भी लेते हैं, पर उससे पहले हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ हैं तैयार, और वो एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे हैं ऑटोज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। अनुराग बताएं क्या खबर लेकर आए आप। देखिए, 1 अप्रैल से जो प्रस्तावित थी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरों के अंदर बदलाव, हमने भी बताया था कि 1 अप्रैल से दरें बदलने जा रही है और इसके जो सुझाव वगैरह है वो भेज दिए गए। लेकिन एक और रीड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया गजट के अंदर, वो रीड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद 30 दिन और सुझाव के लिए मांगे गए हैं। तो अब जो हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर बदलाव होगा, जो प्रस्तावित दरें हैं वो 15 मई के आसपास यानी मिड ऑफ मई तक हो सकती है। यानी इंश्योरेंस कंपनी जो लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, क्योंकि आखिरी जो रिवीजन हुआ था मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का वो जून 2019 में हुआ था, तो करीब 2.5-3 साल के बाद से इंश्योरेंस कंपनियों को इंतजार था कि 1 अप्रैल से दरों के अंदर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो थर्ड पार्टी के अंदर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होता है नई गाड़ी खरीदने पर, यानी आप नया 4-व्हीलर खरीद रहे हैं तो 3 साल का एक साथ आपको प्रीमियम पॉलिसी देनी पड़ती है और 2-व्हीलर के लिए 5 साल। तो अप्रैल के महीने के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनियों को उम्मीद थी कि बढ़ी हुई दरों पे वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बेचेंगे, तो वहां एक तरह से उनको झटका है। और आम लोगों के लिए एक थोड़ी बहुत राहत की खबर है कि जहां से प्रीमियम बढ़ने वाला था अप्रैल के अंदर, लेकिन अब वो 1 से 1.5 महीने तक उसके अंदर देरी हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर का काफी बड़ा कंपोनेंट है। करीब 25% तक का जो प्रीमियम है वो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस से आता है और पिछले 2.5 साल से इसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आखिरी बढ़ोतरी जून 2019 के अंदर हुई थी, अप्रैल 2020 के अंदर बढ़ोतरी प्रस्तावित थी लेकिन कोविड की वजह से उसे टाल दिया गया था। 2021 के अंदर भी बढ़ोतरी जो है कोविड की वजह से टाल दी गई थी। तो 1 अप्रैल 2022 से जो ये बढ़ोतरी प्रस्तावित थी, जो हमने भी बताया था कि ये होने जा रही है, लेकिन रीड्राफ्ट नोटिफिकेशन की वजह से अब उसमें 1 से 1.5 महीने की देरी होगी। ओके, तो यह है आपके लिए देरी जो आ रही है, अब 15 मई से ये लागू हो सकती है और ना कि 1 अप्रैल से जो मान था। तो थोड़ी राहत ग्राहकों के लिए जरूर आती हुई दिख रही है। इवेंचुअली रेट्स बढ़ेंगे, 3 साल बाद ये रेट्स बढ़ने वाले हैं, बट 1 तारीख से नहीं, 15 मई से ये रेट्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। न्यू इंडिया अश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों ही आपको एक्शन में भी आते हुए दिख रहे हैं इस खबर के दम पर। शुक्रिया अनुराग ये इंपॉर्टेंट खबर हमें बताने के लिए, व्यूअर्स की तरफ से भी, व्यूअर्स के लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है।